हाथ में पे नो सूर था ये लुकन सानन भी इम नौजवान सान खन भी पन शुर ग पारे नंदस मन शुर ग तिंद खतर गर कह मरा मगर ये सैनिस आम कशि सिंदिस गोब आमस वतन पे नमस ग पुलिस तगुन अमस ग आर्मी तगन अमस ग सारी दगन इन गलती हूं नतीजे ओतर मूद पफलियाजस मं त्रे नौजवान ये सब उन गलतियों का नतीजा है जो इन लोगों ने हमारे साथ 72 साल किया है। अगर इन लोगों ने लोगों में कंफ्यूजन नहीं किया होता तो शायद ये चीजें नहीं होती, ना हमारे फौजी जवानों को अपनी जान देनी पड़ती, ना हमारे सादा लोग आम आदमी को जान जान देनी पड़ती। अब ड्रामा करने के लिए वतन पर गवा से क्या कह वापस है ना तुम इंसान कचू कर जो तम सो शंगित बिस्तर मज तम पार्टी हुशार सुबह सजि बज वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तुल दो अच्छी ये मंजूर कह ये मानो ना फौज या पुलिस एक्शन करो। आज शुक्रिया करना चाहता हूँ, आज पहली बार कह रहा हूँ शुक्रिया करना चाहता हूँ होम मिनिस्टर का, जो एक्शन उन्होंने वहां की वो एक्शन हर जगह जहां भी हमारे लोगों के साथ जाती हो वो एक्शन होनी चाहिए। क्यों जाती करेगी फौज, क्यों जाती करेगी पुलिस? अगर पुलिस और फौज है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, वो हमारे साथ जाती करने के लिए नहीं है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और मेरे लोगों को वही सब हकूक है जो इस मुल्क में किसी और शहरी को है। क्या हम कोई और जबान बोलते हैं इसलिए हमें हक नहीं है? क्या हम किसी और खित्ते में रहते हैं इसलिए हमें हक नहीं है? क्या हम किसी और जमात के साथ चलते हैं इसलिए हमें हक नहीं है? ये तस्लीम नहीं होगा जब तक हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। वजीर आजम साहब, आपको हमें तहफुज देना पड़ेगा, आपकी फौज को हमें तहफुज देना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर की पुलिस को तहफुज देना पड़ेगा। जो इन सब क्यों तब तक ही जरूरत है इनकी जब तक ये लोगों की हिफाजत करेंगे। अगर ये लोगों की हिफाजत नहीं कर सकेंगे इनकी किसी को जरूरत नहीं। हम विदेशी लोग नहीं है कि कोई भी आके हमारी मार पिटाई करे। ये चीज अपनी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है आपने कंपनसेशन भी दिया होगा उन लोगों को जिन जो शहीद हुए, मैं कहता हूं असल शहीद अगर किसी को कहेंगे उन्हीं को कहेंगे। इस बेदर्दी से आपने वो वीडियो वायरल किया जिसमें आपने उन लोगों के साथ क्या किया, आपने उनको उनके बच्चों को नौकरियां भी दी होंगी या लवाकीन को, लेकिन वो लोग तो वापस नहीं आएंगे। हम शर्म से अपना सर छुपा रहे हैं कि क्या हम इसी मुल्क के शहरी हैं जहां ऐसा कुछ भी होता है। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं अगर ये चीजें बंद करनी है तो हमें पॉजिटिव सियासत करनी है। ये उस नेगेटिव सियासत की देन है जो यहाँ इन सियासतदानों ने की। आज भी ये उन मरे हुए लोगों की कब्रों पे अपनी सियासत जमाना चाहते हैं। ये कुछ ड्रामा क्षण नफर हेत पच पट बिहान अगर 60 लाख नफर हेत बिहान 60 साहस नफर हेत बिहान 6 साहस नफर हेत बिहान 6 हत नफर हेत बिहान तो माना तो क्षण नफर हेत और हाइड एंड सी चोर सिपाही और पुलिस वाले खेलते हैं। ये इनके दरमियान सांठ गांठ है, हम रोकेंगे तुझे लोग फिर पसंद करेंगे। नारत सुत जख्म दानो 5 अगस्त मशराव नहीं जानो दोनों खानदानों ने क्या किया है हमारे साथ, सादा लोगों के साथ इन लोगों ने आप देखो ना क्या किया। कभी किसी ने नेशनल महाजराई शुमारी बोली, कभी किसी ने कुछ कहा, अब हमें बताओ आगे क्या। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी कहती है बड़ा सीधा प्रोग्राम है अमन तरक्की, हमारे स्कूल हिंदुस्तान के बेहतरीन स्कूलों में से होने चाहिए, आम सरकारी स्कूल, मेरा मतलब नहीं है कॉन्वेंट और बिस्को स्कूल, जहां जिस स्कूल में मैं हूं ये एक मिसाली स्कूल होना चाहिए, अल्लाह को मंजूर होना चाहिए कि आपकी जमात की कल इक्तदार में हो।